दोस्तों साल 2012 में जी टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल पुनर्विवाह उन धारावाहिकों में से एक रहा जिसे देखना शायद ही किसी ने मिस किया हो। इस सीरियल में आरती और यश की एक अनोखी दास्तान ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था। वहीं सीरियल के दूसरे कलाकार भी अपने ब्रिलियंट एक्टिंग से सीरियल को मजेदार बनाते हुए नजर आए, जो अपने अलग अलग अंदाज से दर्शकों के बीच खूब पॉपुलर हुए। लेकिन दोस्तों आज इस सीरियल को ऑफ एयर हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं और इन बीते 8 सालों में सीरियल के ये कलाकार भी इतने ज्यादा बदल गए हैं कि शायद आप इन्हें पहली नजर में पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सीरियल के ऐसे ही कुछ चुनिंदा कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जो बीते समय के साथ साथ काफी ज्यादा बदल गए हैं। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उन्हीं कलाकारों के बारे में। नंबर 1, हिना परमार। सीरियल में अभिनेत्री हिना परमार को इशिता आकाश के किरदार में देखा गया, जिस किरदार को इन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारते हुए दर्शकों द्वारा खूब तारीफें बटोरी थी। वहीं अगर बात करें इनके आज की, तो आज अभिनेत्री हिना परमार 31 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक और भी ज्यादा स्टाइलिश एंड ग्लैमरस दिखाई देती हैं, जिन्हें इनके ओपन हेयर के साथ पहली नजर में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी साफ देख सकते होंगे। वहीं आपको बता दें, ये पहले की तरह आज भी सिंगल हैं और अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रह रही हैं, जहां रहते हुए इन्होंने आज भी अपने अभिनय करियर को बरकरार रखा, जो हमें कुछ समय पहले ही मैं भी अर्धांगिनी टीवी सीरियल में दिखाई दी थी। नंबर 2, चेतन पंडित। सीरियल में अभिनेता चेतन पंडित को सूरज प्रताप का किरदार अदा करते हुए देखा गया, जहां इन्होंने एक पिता की भूमिका को बेहद ही जबरदस्त तरीके से निभाया था और दर्शकों से खूब तारीफें बटोरी थी। लेकिन आपको बताते चले, इन बीते 8 सालों में अभिनेता चेतन पंडित आज भी पहले की तरह ही बेहद स्मार्ट एंड डैशिंग नजर आते हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं, जिन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस को और भी ज्यादा इनहेंस कर लिया। साथ ही इनके फेस पर आज भी वही सिग्नेचर स्माइल बरकरार है, जो हमें सीरियल में देखने को मिली थी। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो कानपुरिया पंडित के साथ अपना घर बसाने वाले चेतन पंडित की आज भी अपनी कोई संतान नहीं, जो फिलहाल अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहे हैं, जो साल 2019 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद किसी भी टीवी सीरियल या फिल्म में नहीं दिखाई दिए। नंबर 3, लीना जुमानी। इस सीरियल में प्रतीक की वाइफ परिधि का किरदार निभाकर हर घर में प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री लीना जुमानी को आज भी इस किरदार के लिए बखूबी याद किया जाता है। लेकिन इन बीते सालों में अभिनेत्री लीना जुमानी काफी ज्यादा बदल गई हैं। सीरियल में सिंपल अंदाज में नजर आने वाली लीना जुमानी आज 30 साल की हो गई हैं और काफी ज्यादा हॉट और बोल्ड नजर आती हैं, जिनकी खूबसूरती बीते समय के साथ साथ और भी ज्यादा निखरती जा रही है, जैसे कि ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। वहीं आपको बता दें, लीना जुमानी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड यूएस के बिजनेसमैन राहुल सचदेवा के साथ एंगेजमेंट कर ली और ये फिलहाल मुंबई में ही रह रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने एक्टिंग करियर को बरकरार रखा और वर्तमान में सीरियल कुंडली भाग्य में तन्नू का किरदार निभाती हुई नजर आ रही है। नंबर 4, गुरमीत चौधरी। सीरियल में मुख्य कलाकार के तौर पर यश सूरज प्रताप की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपने इस किरदार के जरिए लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता था और खूब पॉपुलैरिटी भी हासिल की थी। लेकिन इन गुजरे 8 सालों में गुरमीत चौधरी काफी ज्यादा बदल गए हैं और 37 साल के हो गए हैं, जो आज अपने बदले हुए हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक के साथ पहले के मुताबिक काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं, जैसा कि ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं। आपको बता दें, ये पहले की तरह आज भी अपनी लाइफ पार्टनर तमीना बनर्जी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं और ये आज भी अपने एक्टिंग करियर में सक्रिय हैं, जिन्हें हाल ही में आई वेब सीरीज द वाइफ में अभिनय करते हुए देखा गया। नंबर 5, कृतिका सिंगर। सीरियल में यश सूरज प्रताप की दूसरी पत्नी आरती की मुख्य भूमिका में नजर आई अभिनेत्री कृतिका सिंगर ने अपनी सादगी भरे और मासूम अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और जमकर तारीफें भी बटोरी थी। वहीं बात करें इनके आज की, तो सीरियल में आरती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कृतिका सिंगर इन बीते 8 सालों में काफी बदल गई हैं और अपनी 35 साल की उम्र में आज काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं, जिनकी खूबसूरती की वजह आज भी पहले की तरह इनकी नेचुरल ब्यूटी है, जैसा कि
की आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते होंगे। वही आपको बता दे, आज अभिनेत्री कृतिका सेंगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के थंगाबली कहे जाने वाले अभिनेता निकिता धीर के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही हैं, जिन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है, जिन्हें लास्ट टाइम सीरियल कसम तेरे प्यार की में अभिनय करते हुए देखा गया था। तो दोस्तों, आपको सीरियल पुनर्विवाह में नजर आए चुनिंदा कलाकारों में से बीते इन सालों में कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगा, आप भी उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।